अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रॉपर अनबॉक्सिंग करेंगे उन आर्टिकल्स के जो हम लोगों ने ऑनलाइन बाय किए थे विद प्राइसेस। और तो सबसे पहला जो हमारे पास आर्टिकल था, दिस वन इज़ बाय ज़ीन। इसकी अगर ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो ये हमारे पास 7,990 रुपीज़ का था और ऑफ के बाद ये हमें 5,593 रुपीज़ में पड़ा था। और अगर हम लोग इसके स्टफ़ के बारे में बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा रेशमी टाइप टच था। तो इसकी जो बैग थी वो बिल्कुल प्लेन थी ऊपर से। अगर तो हम लोग फ्रंट की बात करें तो फ्रंट का जो पैनल्स थे वो तीन थे, एक मेन था और दो साइडेड पैनल्स थे। और ये एम्ब्रॉयडर्ड थे, उसकी नेक भी एम्ब्रॉयडर्ड थी, स्लीव भी एम्ब्रॉयडर्ड थे। बट इसके साथ हमें ना लेसिंग लानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोगों ने पैनल्स को अटैच करना तो उसके अंदर भी ज्वाइनिंग लेस लगेगी। तो वो हम लोग आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कौन सी इसके साथ लेसेस वगैरह लाइन थी और कौन सी नहीं। ये इसका दुपट्टा था, दुपट्टा इसका बहुत अच्छा था और बहुत सॉफ्ट स्टफ़ में था। तो ये थी इस आर्टिकल के प्रॉपर पिक। और अभी स्टिच कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो बाद में होगा। तो ये हमारे पास उसके साथ जो उन लोगों ने एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया हुआ था वो था। और सेकंड जो हमारे पास आर्टिकल था वो भी बाय ज़ीन ही था। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये प्राइस हमारे पास 6,490 रुपीज़। और 30% ऑफ के बाद ये हमें 4,593 रुपीज़ का पड़ा था। ये इसका दुपट्टा था और इसका दुपट्टा भी बहुत ही अच्छा था। इसकी बैग बिल्कुल प्लेन थी और साथ में ट्राउज़र था। और ये हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट था, ऑल ओवर था, इसके ऊपर कोई गला नहीं बना हुआ था। और हम लोगों ने इसी में से ही इसके स्लीव्स भी निकालने थे। और ये अब कैसे बनेगा कैसा नहीं ये तो अब हम लोग आप लोगों के साथ बाद में ही शेयर करेंगे। तो ये हमारे पास था इसका प्रॉपर जो लोगों ने कपड़ा दिया हुआ था बस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था, दिस वन इज़ बाय क्रॉस स्टिच। और इसके प्राइस की अगर बात करें, इसके प्राइस 5,950 रुपीज़ थी, बट ऑफ के बाद ही हमें 3,860 रुपीज़ का पड़ा था। तो ये इसके हमारे पास थे शर्ट का फ्रंट साइड और इसका सॉरी ये स्लीव्स थी हमारे पास। साथ में लोगों ने हमें इसका पैच दिया हुआ था, इसका जो दुपट्टा था वो नेट का था और उसके ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडर्ड थी। और ये इसका था हमारे पास फ्रंट, और फ्रंट पे जो था ना दामन पे यहाँ पे ना एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना, अभी से क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं ये नहीं बता सकती। अगर तो हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ये हमारे पास जेड का था। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 3,300 रुपीज़ थी। और ये इसकी नेक थी जो हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड पैच में था। नेक लाइन के साथ तो उन लोगों ने हमें ना एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया हुआ था। यहाँ पे डिपेंड करता है, आप अगर दामन पे लगाना चाहें आप लोग दामन पे लगा सकते हैं, स्लीव्स पे लगाना चाहें तो स्लीव्स पे भी लगा सकते हैं। ये आर्टिकल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, मीन के ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। लाइट येलोइश शेड था और साथ में ब्लैक कलर का इसके अंदर प्रिंटेड फ्लावर्स बने हुए थे। और ये हमारे पास बिल्कुल ओवरऑल शलवार ट्राउज़र का कपड़ा था। और ये हमारे पास इसकी शर्ट है, और शर्ट मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ खोल के, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास पैक थी, ये हमारे पास फ्रंट है और इसके स्लीव्स भी साथ ही उन लोगों ने दिए हुए हैं। ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से इसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। बट हाँ, ये आर्टिकल मेरी तरफ से रिकमेंड है, अगर आप लोग बाय करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इसका स्टफ़ भी था और ये कलर भी जो था ना ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल था वो भी जेड का ही था और इसकी प्राइस अराउंड 4,000 समथिंग के पास ही, एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं है और मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी, पता नहीं क्यों नहीं कर पाई। खैर, ये जो था ना इसका स्टफ़ जो था वो खद्दर था और ये हमारे पास प्लेन शलवार थी, ट्राउज़र कपड़ा था। और ये हमारे पास उसका आई थिंक ये हमारे पास शर्ट थी इसकी, या ओवरऑल शर्ट थी। इसके साथ भी उन लोगों ने आई थिंक एम्ब्रॉयडर दी हुई थी फ्रंट पर लगाने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप लोगों पर डिपेंड करते, ये बैक है उसकी और दूसरा हमारे पास उसका फ्रंट साइड था। ये उन लोगों ने एम्ब्रॉयडर्ड पैच हुआ था स्लीव्स के लिए और साथ में नेक लाइन भी दी हुई थी, जो कि मेरे तो समझ में नहीं आई कि ना नेक लाइन का पैच मैच हो रहा था और ना ही तो बॉर्डर का थोड़ा सा डिफरेंस था। बट हाँ, जो शर्ट के अंदर कढ़ा वो प्रिंटेड है ना, ये उसके साथ उसका नेक लाइन मैच कर रहा था। और ये साथ में हमारे पास इसका दुपट्टा था और इसका दुपट्टा भी काफ़ी बड़ा था, आई मीन शॉल ही प्रॉपर लग रही थी। आप लोग ये देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। और आई थिंक अगर आप लोगों को इस प्राइस में 4,000 की रेंज में अगर आप लोगों को 3-piece सूट मिल रहा है विद एम्ब्रॉयडरी नेक लाइन पैच, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं उसकी शॉल जो है वो कितनी अच्छी लग रही है। अब जब यहाँ पे लेस में कर रहोगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल था ये था क्रॉस स्टिच का, और ये स्टिच आर्टिकल था और ये टू पीस था। इसके प्राइस थी 5,950 रुपीज़। ये हमारे पास इसका नेट का एम्ब्रॉयडर्ड दुबट्टा था, और ये हमारे पास उसके शर्ट थे। आप लोग देख सकते हैं कितनी नफासत के साथ लोगों ने स्टिच किया। अब इसके स्लीव मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, लाइक बहुत ही मज़े के लग रहे थे उसके स्लीव्स। जो नेक्स्ट आर्टिकल था ये भी क्रॉस स्टिच का ही था। इसके प्राइस की अगर बात करें तो वो अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस थी ना वो 7,570 रुपीज़ समथिंग थी, और ये ओवरऑल था। सिर्फ इसका जो दुबट्टा था ना वो उन लोगों ने सेपरेट दिया हुआ था। ये हमारे पास नेक लाइन या स्लीव्स के आगे लगाने के लिए था, साथ उन लोगों ने नीचे एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया हुआ था। ये हमारे पास नेट का दुपट्टा था जिसके ऊपर ना हल्के हल्के से बंचेस बने हुए थे, और जो उसकी साइड्स थी ना वहाँ पे ये प्रॉपर एक बॉर्डर बना हुआ था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देख सकते हैं आप लोग। अब मैं आप लोगों को ना दुपट्टे की पूरी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। इवन किन कपड़ों का अगर जब ये स्टिच होकर आएंगे ना तो ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। और ये था इसका ओवरऑल लुक। ये जब लिया होगा ना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी इसके अंदर फिनिशिंग नहीं है, फिनिशिंग होगी तो ये और ज़्यादा खेलेगा और उठेगा। और अगर हम लोग इसके शर्ट की बात करें तो वो ओवरऑल थी, आई मीन फ्रॉक टाइप आई थिंक। इसका जो कपड़ा है ना वो फ्रॉक के लिहाज से इन लोगों ने दिया हुआ है, और साथ में नीचे एम्ब्रॉयडर्ड। ये हमारे पास इसकी शर्ट का कपड़ा है। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर आप लोग शर्ट बनाना चाहते हैं साथ में सेम ट्राउज़र तो जिस तरह आप लोग बनाना चाहें वो आप लोग बना सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास आते हैं ना वो आते हैं 100 कमाल के आर्टिकल्स, क्योंकि माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छा सोच के लिया था कि काफ़ी अच्छे होंगे। ये था जो हम लोगों ने आर्टिकल ऑर्डर किया था, नो डाउट ऐसा ही आया है, बट कलर डिफरेंस है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दुपट्टा उसका कितना प्यारा लग रहा है, और ये आप लोग काफ़ी सोर्स के साथ ले भी सकते हैं। बट यार बात वहीं पर है के फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग 3,000 अराउंड, हमें 3,000 के अराउंड पड़ा था, और आप लोग यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा था, और ये रियल में तो इससे भी ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा था ना कि ये क्या क्या नहीं है। शर्ट हमारे पास सिंपल प्रिंटेड शर्ट थी और कोई एम्ब्रॉयडर्ड नहीं था, और नो डाउट जैसे उन लोगों ने पिक में शो की हुई है वैसी ही शर्ट थी। बट ना दुपट्टा जो था वो बिल्कुल भी इसकी बेस के साथ मैच नहीं कर रहा था, और ना ही तो इसका जो हमारे पास ट्राउज़र था ना उसकी बेस के साथ मैच कर रहा था। तो ये ना काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात थी मेरे लिए। मैंने इन्हें कंप्लेन भी की थी बट दे डिडंट रिस्पॉन्स मी। तो मैं आप लोगों को ये पेज तो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि आप लोग यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हाँ इसका दुपट्टा हम सभी को काफ़ी अच्छा लगा था। तो जो हमारे पास इसका नेक्स्ट आर्टिकल था ना वो हमारे पास था ये इसके शर्ट फ्रंट और बैक और साथ में स्लीव्स थी। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। ये भी 100 कमाल की तरफ से था, हम लोगों ने ये फ्रॉक समझ के ऑर्डर किया था। हमारी भी कुछ गलती है कि हम लोगों ने इसे रेड आउट नहीं किया और हम लोगों ने बाय कर लिया, बट हमारा जो माइंड था, माइंड सेट था ना वो ये था कि ये ना एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक होगा। और ये इन लोगों ने हमें ना एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया था और साथ में नेक लाइन दी हुई थी। और ये था इसके प्राइस की बात करें ना तो ये हमें 6,800 का पड़ा था, वो भी ऑफ के बाद। और ये जो इसका दुपट्टा था ना ये सादा शिफॉन का था, लाइक जो लोअर क्वालिटी नहीं होती प्रोडक्ट की वो थी आप लोग कह सकते हैं। और ये सूट देखने के बाद जितना दिल ख़राब हुआ है ना शायद ही किसी सूट को देख के हुआ हो। और ये इसका उन लोगों ने सिर्फ शर्ट का पीस दिया था, ना कोई ट्राउज़र ना कुछ ना कुछ। यार हद नहीं होगी बंदा मुझे इन्नी कोई तपचर्स। बस ये लोगों ने इतना सा हमें कपड़ा दिया है 6,800 रुपये में। तो ये वाला आर्टिकल तो आप गलती से भी बाय करने की कोशिश ना ही करेगा, क्योंकि आप लोगों को फ़ायदा ही नहीं होना। सिर्फ सिंपल शर्ट ही बन सकता है, स्लीव्स का कपड़ा भी उन लोगों ने लादा नहीं दिया था, आप लोगों को स्लीव भी इसी में से ही निकालनी पड़ेगी। यार लाइक सीरियसली हद नहीं होगी, बंदा हक हलाल दिखा लवे थोड़ी खा लवे, पर नहीं खैर कोई नहीं। तो ये हमारे पास सभी आर्टिकल्स थे। अगर हम लोग यहाँ पर प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि टोटल कितने अमाउंट बनी थी। यहाँ पे था हमारे पास 10,700 समथिंग, नेक्स्ट हमारे पास 14,000 एंड समथिंग, और लास्ट पार्सल की जो प्राइस थी वो थी अराउंड 14,000 समथिंग। 100 कमाल के ये दो आर्टिकल्स भी थे, और ये उसकी शर्ट थी, और ये साथ में हमारे पास शिफॉन का दुपट्टा था प्रिंटेड, और प्रिंटेड ही हमारे पास इसकी शर्ट थी कि जो प्राइस थी ना वो 1,600 और समथिंग था, और ये काफ़ी अच्छा था। मैं इनके 1,600 में अगर आप लोगों को टू पीस मिल रहा है तो ठीक है यार। प्रिंटेड शर्ट थी और साथ में ये प्रिंटेड दुपट्टा था, और शलवार आप लोगों को मैच करनी पड़ेगी। आप लोग घर में भी वाइट हो तो वाइट के साथ भी चला सकते हैं जो भी है। और इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था। ये हमारे पास शर्ट का फ्रंट था, ये बैक था, और साथ में लोगों ने स्लीव दिए थे। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो भी 100 कमाल का ही था, उसकी प्राइस अराउंड 1,700 एंड समथिंग था, वो भी टू पीस ही था। और ये हमारे पास इसकी पिक थी ओवरऑल
लुक आप लोग देख सकते हैं क्या है इसका, दुपट्टा और शर्ट है। ये हमारे पास शर्ट थी, मुझे कोई दिखास नहीं लगी देखने में। ये हमारे पास उसकी बैक है और ये साथ में हमारे पास स्लीव्स हैं। पिक इस तरह से स्टिच हो के आएगा तो ये तो बात की बात है ना, जब स्टिच होंगे। और साथ में इसका दुपट्टा था, दुपट्टा इसका काफ़ी अच्छा लग रहा था, मीन काफ़ी शॉकिंग शॉकिंग पिंक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली फॉलो कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट की वीडियो जो होगी ना वो बहुत मज़े की होगी, क्योंकि हम लोगों ने इसके साथ लाइसिंग वगैरह मैचिंग करने जाना, तो आप लोगों को दिखाएंगे हम लोगों ने क्या किसके साथ बाय किया। तो स्टे ट्यून, और आप लोगों को कौन सा आर्टिकल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, वो हमें याद रखें।